दोस्तों, आज ओला का अपडेट आया हुआ है और मैं उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये पासवर्ड डालता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुझे अपडेट मिला है वो है 1.0.30। इसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले मुझको यहाँ चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बैटरी चेक करी है तो बैटरी बहुत ही कम है, जो है 26%। तो मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो चार्ज करना एक बेहतर ऑप्शन है मेरे पास। दोस्तों, अगर आप कुछ ओला में अपडेट कर रहे हैं तो ज़रूर चार्जिंग में लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27% चार्ज है। अबाउट में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा प्रीवियस वर्जन है वो है 1.0.16, जिसको मुझे अपडेट करना है 1.0.30 पे। और ये जो अपडेट आया है वो है 815 MB का। चलिए इस अपडेट को अब हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और जो अप्रॉक्सीमेट टाइम दिखाया है वो है 30 मिनट्स का। तो दोस्तों, ये जो हमारा अपडेट आया है ये बाई एयर आया है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली अपडेट मिला है ओला की साइट से। तो दोस्तों, सबसे खास बात यह है, कोई भी अपडेट अगर आपको मिलेगा तो बाई एयर मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इतने हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, तो आपको कुछ ओला के बारे में बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ ओला की। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे बेहतरीन डिजाइन वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्कूटर है एज कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें, अगर आपने ये ओला खरीद लिया तो उसका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो जीरो है। भाई साहब, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो पूछने वाला आपको कोई भी नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं तो हो सकता है आपको सर्विस 1 और 2 दिन के अंदर मिल जाए, लेकिन अगर आप अनलकी हैं तो हो सकता है कि 20 से 25 दिन या महीना भर भी आपको सर्विस ना मिले। तो दोस्तों, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल नहीं है, कहीं भी सर्विस सेंटर नहीं है। गिने चुने सिटी के अंदर आपको सर्विस सेंटर मिलते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है आपके घर के पास सर्विस सेंटर मिल जाए, लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर से दूर रहते हैं तो कम से कम 20 दिन का भी आपको टाइम लग सकता है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस करवाने में। मैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन इसकी बैटरी ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम है ना, सबसे ज़्यादा बेकार है, कभी भी खत्म हो जाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, मैं प्रीवियस सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा रहा हूँ 1.0.16, इसी सॉफ्टवेयर की वजह से बैटरी ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम मुझको मिल रही थी, तो बीच रास्ते में कई बार बंद हो जाती थी। तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन बताया था, लेकिन वो 100% सक्सेसफुल सॉल्यूशन नहीं था। जो अभी मुझको अपडेट मिला है वो है 1.0.30, और उसमें आशा करता हूँ कि ये बैटरी ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। अब बात आती है रेंज की। भाई साहब, रेंज के बारे में बात करें तो कंपनी ने जैसा बताया था कि 135 किलोमीटर पर चार्ज ये चलेगी, लेकिन ये सिंगल पर्सन 110 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलती है, और अगर आप पिलियन राइडर के साथ हैं तो अप्रोक्सीमेट 80 से 85 तक का ये माइलेज देती है। अपडेट रेडी हो चुका है इंस्टॉल करने के लिए, और यहाँ पर हम इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। इतने अपडेट इंस्टॉल हो रहा है तो आपको मुझे की बात बताता हूँ कि आजकल ट्विटर पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ओला की रेंज के बारे में बात करें तो जैसे कंपनी ने बताया था कि 135 किलोमीटर पर चार्ज चलेगी, और रियल लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद चलाया है, ये 110 से ऊपर का रेंज नहीं देती है, और पिलियन राइडर के साथ 80 से 85 किलोमीटर पर चार्ज ये देती है। लेकिन वहां तो लोग भाई साहब 226 किलोमीटर पर चार्ज बता रहे हैं, यानी 226 किलोमीटर पर चार्ज। यार, इतना झूठ बोलते हुए लोगों को शर्म नहीं आती है? मतलब कंपनी इतनी ज्यादा टेस्टिंग करती है, R&D करती है, तब जाके बताया है कि 135 किलोमीटर पर चार्ज चलेगी, और वो भाई साहब कहाँ खो रहे हैं, भाई साहब 226 किलोमीटर पर चार्ज। यार, हद कर दी झूठ की है। ऐसे क्या तुम बिल्कुल ही ब्रेक नहीं मारते? ऐसे क्या बिल्कुल भी तुम्हारे आगे कोई ट्रैफिक नहीं आता? आराम से चले जा रहे हो और 226 का माइलेज मिल रहा है? भाई साहब, चैलेंज है ये कि 226 किलोमीटर पर चार्ज कोई ला के दिखा दे, उसकी एक वीडियो बना दे, तो मैं मान जाऊं। तो भाई, बिल्कुल झूठ बोलते हुए लोगों को शर्म नहीं आ रही? ओला अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन इतना झूठ यार हजम नहीं होता है मुझको। अगर आप इसको नॉर्मल में भी चलाते हैं ना, तो भाई 1 किलोमीटर पे 1% बैटरी का ड्रॉप होता है, तो उस हिसाब से 100% पर 100 किलोमीटर ही चलती है। चलिए, नॉर्मल में भी आप स्पीड को बहुत ही ज्यादा कम रखते हैं, तब भी मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर चार्ज से ऊपर ये माइलेज नहीं देती है। दोस्तों, इस ओला कंपनी की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक करा है तो हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 महीने बाद भी ना मिले, फुल पेमेंट करने के बाद। और ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिन्होंने आपके बाद बुक करा है और उनको 1 हफ्ते के अंदर ही डिलीवर हो गया है।
तो ये सबसे खास बात है हमारी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की कि वो किसी से कमिटमेंट नहीं करते, जो जैसा आदमी उसको वैसे पकड़ा दिया। और एक सबसे खास बात और बताता हूँ इन लोगों की कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्होंने दे दिया, लेकिन हो सकता है आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ही ना दे और आपको 2 से 3 महीने भी आपको वेट करवा दे। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा भुगतभोगी तो मैं ही हूँ कि 3 महीने बाद भी मेरा परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक नहीं आया है। दोस्तों यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ओला कंपनी की बुराई कर रहा हूँ जो आफ्टर सेल सर्विस देने में बिल्कुल ही ज्यादा फिसड्डी है। तो भाई साहब चीज बहुत बढ़िया है, भागती बहुत अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, सुंदर लगती है, आई कैचिंग है, लेकिन जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का जो कमिटमेंट था ना उसमें बिल्कुल ही फेल है। ना तो वो आपको आफ्टर सेल सर्विस देंगे, आपको राइट टाइम डिलीवर नहीं करेंगे, आपको इस टाइम कोई भी इन्होंने सॉफ्टवेयर ओपन करके नहीं दिया है जो इन्होंने कमिट करा था बुकिंग के टाइम पर। ना इसके अंदर मैप है अभी, ना म्यूजिक सिस्टम है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हम देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2.0 जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बात हम पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से सुनते आ रहे हैं और अभी तक इनका ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ दिया है, टेस्टिंग के लिए दिया है कुछ मज़ेदार लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा खास हैं, जो उनके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं या उनकी ओला के बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट रखते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ओला कंपनी कैसी है और ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा है। आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरी तरह झेल सकते हैं इनकी आफ्टर सेल सर्विस को, इनके कमिटमेंट को, तभी आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लें। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है अपडेट हो चुका है और जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो है 1.0.30। यहाँ मैं पासवर्ड फीड कर रहा हूँ, पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको अबाउट में जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है। ये देखिएगा अप टू डेट हो चुका है, सॉफ्टवेयर वर्जन है 1.0.30। चलिए अब इसका हम फील्ड टेस्ट भी करके देखते हैं और चेक करते हैं कि जो प्रीवियस वर्जन में प्रॉब्लम आ रही थी वो इस वर्जन में रिमूव करा गया है या नहीं करा गया है। अब हम इस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं जो है 1.0.30। सच बताऊं तो सॉफ्टवेयर में मुझको ज्यादा अंतर नहीं लगा प्रीवियस सॉफ्टवेयर से, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो मुझे थोड़ा डिफरेंस लग रहा था जो है उसका टच रिस्पॉन्स। तो जो टच रिस्पॉन्स है बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव लगा इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। एक बात और मैंने फील करी है, जो उसका लॉकिंग और अनलॉकिंग जो टाइम है वो थोड़ा सा फास्ट हो चुका है। पिछले वाले सॉफ्टवेयर में जब मैं अनलॉकिंग कर रहा था पासवर्ड डालने के बाद तो थोड़ा सा टाइम डिले होता था उसे ओपन होने में, लेकिन इस वाले सॉफ्टवेयर में अगर मैं पासवर्ड फीड कर रहा हूँ तो वो जो टाइम डिले है वो खत्म हो चुका है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने फील करी है इस वाले अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर में। बताती है स्पीड की, तो स्पीड में कोई अंतर नहीं है, जो जैसे पहले स्पीड थी वही मुझको इस सॉफ्टवेयर में मिल रही है। बात आती है बैटरी ड्रॉप आउट की, तो दोस्तों इस वाले सॉफ्टवेयर में भी बैटरी ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम एज इट इज है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर आप अपनी ओला को 100% चार्ज करते हैं उसके बाद यूज कर रहे हैं तो बैटरी ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी है। अगर आप एक बार इसे रिबूट करते हैं तो आपको पता लगेगा अप्रोक्सीमेट 5 से 10% का बैटरी ड्रॉप आउट आपको मिलता है इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर भी। अब भी हम कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर के अंदर रिमूव नहीं करी गई है। तो भाई अगर इसकी बैटरी ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं करी गई है तो आप इसकी जो रेंज शो कर रहा है उस पर ट्रस्ट मत करना। जितनी रेंज वो शो कर रहा है हो सकता है कि आपको इतनी रेंज नहीं मिले और बीच रास्ते में आपकी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो ओला कंपनी को शॉर्ट आउट करना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि कस्टमर का जो पैसा है वो हार्ड एंड मनी होता है और वो ट्रस्ट करता है कंपनी पे कि वो अच्छा प्रोडक्ट देगी कस्टमर को। ये बात तो क्लियर है कि जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है जो भी कमिटमेंट कर रही है उसे पूरा नहीं कर पा रही है। इवन बैटरी ड्रॉप आउट प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक रिलीज नहीं कर पा रही है जो उन्होंने कमिट करा था बुकिंग के टाइम पर। मेरे जैसे हजारों कस्टमर ने ओला सिलेक्ट करा था उसकी डिजाइन को देखकर, उसकी टेक को देखकर, उसकी रेंज को देखकर, उसकी और भी वेरियस स्पेसिफिकेशंस को देखकर। तो हमको कंपनी ने स्कूटी तो दे दिया है लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी रेंज, उसकी आफ्टर सेल सर्विस ये कस्टमर को नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में ओला से रिलेटेड और भी वीडियोस में पोस्ट करता रहूंगा। मैं मनु भारद्वाज अब आपसे विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।